हाँ सांस लीजिए, यू नहीं, जोर से सांस लीजिए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखिए आपको दवा दारू की नहीं, सिर्फ आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जब तक टाइपराइटर की आवाज नहीं सुनता, जी नहीं लगता। टाइपराइटर और इंसान में एक फर्क है। टाइपराइटर को अगर अच्छे से ऑयलिंग करोगे तो सालों तक चल सकता है, लेकिन इंसान का शरीर अगर थक गया हो तो उसे आराम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। तो मैं चलूं? यह है राम प्रसाद जी, पिछले 30 सालों से मॉडर्न टाइपिंग सेंटर चला रहे हैं और अब समय आया है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दोनों बेटों को, अटल राम और बदल राम को सौंपने का। बिजनेस के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उन्हें अच्छी तरह याद रखना। कस्टमर का टाइम बहुत कीमती होता है, मतलब तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बेस्ट होनी चाहिए, जैसे उंगलियों में जादू। और ध्यान रहे, स्पीड के साथ साथ एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पूरी डिक्शनरी बाय हार्ट। जी बाबूजी। This is All India Radio. The government has decided to launch an ambitious low-cost housing scheme to benefit 32 million slum dwellers in 250 cities across the country. A meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, Awas Yojana, to facilitate affordable housing for slum dwellers. And that is the end of this news bulletin. समय के साथ तुम भी बदलो, तभी होंगे कस्टमर खुश और तुम दोनों सफल। आज से मॉडर्न टाइपिंग सेंटर तुम दोनों संभालोगे। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की सलाह सर आंखों पर रखी और जी तोड़ मेहनत की। उनकी टाइपिंग स्पीड थी मस्त और नो स्पेलिंग मिस्टेक का रिकॉर्ड जबरदस्त। कस्टमर को बार बार आना ही था। भैया। हाँ हाँ। अरे भाई साहब बहुत अर्जेंट है जी। भैया भूख लगी है। प्लीज बहुत अर्जेंट है जी। छोटे तुझे याद है ना पिताजी की सलाह? अरे कस्टमर खुश रहेगा तो अपने ही पास आएगा। पाजी इससे बड़ा हूँ और वो भी पूरे एक मिनट से। अब आप ही बताओ, इसको ये मैं याद नहीं दिलाऊंगा तो कौन दिलाएगा? आप बैठो। इनके पिताजी का कहना था कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। दोनों भाई यही मंत्र जपते रहे, इनकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने बहुत तरक्की की। सब कुछ एक ऑयल की हुई टाइपराइटर की तरह बड़े आराम से चल रहा था। और फिर एक दिन, भैया भैया सुनो तो क्या लिखा है, ये टीवी और टाइपराइटर को मिला के एक नई मशीन आई है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। क्या कंप्यूटर? कंप्यूटर नहीं भैया, कंप्यूटर। और लिखा है कि ये कंप्यूटर जल्दी वीडियो रिकॉर्डर 2-in-1 और अपने टाइपराइटर को खत्म कर देगा। तू क्या है कान के नीचे? अरे ये कंप्यूटर अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 150 साल हो गए इस मशीन को, आज तक कुछ हुआ है? अरे अखबार वाले तो कुछ भी छापते हैं। पर भैया इसमें छोटे तुझसे बड़ा हूँ पूरे एक मिनट से, समझा? बहस मत कर। अटल राम जी, बदल राम जी, नमस्ते। 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 आज पेपर नहीं आया हमारे घर, आपकी कॉपी ले लूं? अरे गुप्ता जी। अटल राम गलत था, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन एक आंधी थी जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। टाइपराइटर्स की जगह कंप्यूटर्स बड़ी तेजी से लोगों की पहली पसंद बनने लगा और उसका असर हमारे सामने था। और फिर एक दिन, छोटे तू पागल हो गया? अरे जिस मशीन ने हमारा धंधा चौपट किया तू उसे ही दुकान में उठा ला? अरे तुझसे बड़ा हूं पूरे एक मिनट, ये खरीदने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। भैया मेरी बात सुनो, बहुत दिनों से अपनी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, मैं इतने टेंशन में हूं। फिर अचानक से मुझे याद आया। क्या? वही पिताजी के सलाह,
आपको याद है? समय के साथ तुम भी बदलो, तभी होंगे कस्टमर खुश और तुम दोनों सफल। भैया हमें समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है छोटे, सब्र करना सीख। शहर में सबसे बेस्ट टाइपिस्ट हम दोनों हैं। अरे कस्टमर हमारे पास जरूर वापस आएगा। भैया मैं कहता हूँ हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। हरगिज नहीं। अरे इतने साल हमने इस टाइपराइटर पे अपनी उंगलियां घिसी है, तुझसे बड़ा हूँ और पूरे एक मिनट से, समझा? मेरी बात मान और ये कंप्यूटर को उठा के फेंक दे बाहर। नहीं भैया हरगिज नहीं। तो फिर मेरी भी बात सुन ले कान खोल के, अगर तुझे अब भी इस कंप्यूटर के पीछे भागना है तो भाग, आज से तेरे और मेरे रास्ते अलग है। बदल राम ने समय के साथ बदलने का फैसला किया और कंप्यूटर के स्टार्ट बटन से उसकी किस्मत भी रिस्टार्ट हो गई। और अपना अटल राम पुराने जमाने में ही अटका रहा। कस्टमर्स की जरूरतें बदल रही थी, कंप्यूटर प्रिंटिंग और टाइपिंग के साथ साथ बदल राम कई नई नई सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगा, जैसे कि स्कैनिंग, बाइंडिंग, फोटोकॉपिंग एटसेट्रा। बाबूजी ने ठीक कहा था, समय के साथ बदलो तभी होंगे कस्टमर खुश और तू होगा सफल। हमारे ग्रंथों ने कहा है कि समय हमेशा बदलता है। जिस तरह कंप्यूटर्स ने तूफान की तरह आकर टाइपिंग इंडस्ट्री को झटका दिया, उसी तरह 2009 में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी झटका लगा था। सेबी ने अचानक से म्यूचुअल फंड एंट्री लोड बैन कर दिया और साथ ही में कमीशन को भी 1/3 से घटा दिया, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनकम एकदम रुक सी गई। यह एक ऐसा झटका था जिसने पूरा दृश्य ही बदल दिया। इनकम में इतनी जबरदस्त गिराव से डिस्ट्रीब्यूटर्स के जीवन में अंधेरा सा छा गया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे विवेक रेगे समझ चुके थे कि बदल राम की तरह समय के साथ बदलने में ही अकलमंदी है, नहीं तो पूरा धंधा बंद हो जाएगा। आइए मिलते विवेक रेगे से। सेबी केम आउट विथ एंट्री लोड बैन, टेंशन आ गया, नो डाउट अबाउट इट। कोई कलीग्स ने बिजनेस बंद कर दिया या उन्होंने कुछ अलग ही चालू कर दिया। इंडियन साइकोलॉजी ऑफ क्लाइंट्स भी ऐसा है कि अगर आप उनको कुछ फ्री दो तो ठीक है, अगर आप उनसे फी मांगो तो प्रॉब्लम है। तो हमने डिसाइड किया एक काम करते हैं, एक ईमेल करते हैं क्लाइंट्स को रिगार्डिंग इस तरह का चेंज हुआ है। इस तरह ही क्लाइंट्स कन्विंस होंगे कि नहीं, ये जो चार्ज करने वाले हैं और जिस तरह कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और मैंने उनको बताया जो भी हम चार्ज करेंगे वो एंट्री लोड से तो 100% कम होगा। वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं ताकि फॉर एग्जांपल उनको हर महीना रिपोर्ट भेजना, ओके, हर एक क्वार्टर में उनके साथ टच में रहना, ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, उनका ट्रस्ट भी बैठ जाता है आप पे। और दे डोंट हेजिटेट गिविंग यू अ फी। और वो टाइम पे लगा कि नहीं, इतना डिफिकल्ट है नहीं, उनको ये बात बराबर समझ में आती है, आप किस लिए काम कर रहे हो, किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो। और उसी तरह से क्लाइंट भी रेसिप्रोकेट इक्वली करता है हमसे कि नहीं भाई, आप आपका बिल रेस कर लो, आप प्लीज़ आपकी फीस ले लो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे 90% ऑफ क्लाइंट्स हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू फीस। अब कोई भी क्लाइंट को जाके पूछे कि हमारे मेरा खुद का एडवाइस या मेरे खुद का जो सर्विसिंग स्टैंडर्ड्स है वो किस तरह से है, आप अगर जब भी पूछेंगे तभी आपको जो जवाब मिलेगा वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही सिमिलर होगा। I've been a mutual fund investor for the last 8 years or so. When my financial advisor came to me with the proposal that I now have to pay for his services, I was obviously disappointed with that. These services were free till that point. I realized that I've been paying this fee for quite some time. It was disguised as an entry load in those days. My financial advisor explained it to me that the services that he was offering me were qualitatively much better than before, and the fee that he would charge me would be much less than the entry load. We had a long discussion where he understood my financial goals and my requirements and my financial appetite, and considering my age and my current earnings, he came up with a plan
an investment plan for me, which would take care of my financial goals. And just knowing that there is someone out there who's taking care of your financial needs and your financial goals is something which really gives you a huge peace of mind. If you are not seeking a good financial advisor and if you're not paying a fee, I am very sure that you will end up paying much more in future. पहले इंश्योरेंस से शुरू किया था, फिर हम पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स में भी आए थे, उसके बाद यूटीआई के दिन भी हमने देखे थे, तभी सिर्फ अपफ्रंट कमीशन से मिलते थे। 2009 में सेबी का एंट्री लोड का बैन का आना, ये एक बहुत बड़ा झटका था इंडस्ट्री के लिए। वो 2% आराम से मिलता था अपफ्रंट में, ट्रेल मिल जाती थी अच्छी खासी, आराम से बैठ के काम चलता था, तो काफ़ी सारी कंफर्टेबिलिटी आ गई थी। वो कंफर्टेबिलिटी छोड़ के अचानक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आना थोड़ा टफ था। तो मेरा तो मानना यही रहा कि चेंज इज मस्ट एंड चेंज इज इनएविटेबल, तो लेट अस चेंज विद द चेंज। मैं ये इंडस्ट्री से हटने वाला तो नहीं था, बट इसी में शायद मैं मेरी स्ट्रेटेजी करके कुछ सुधार कर सकूं और मेरी प्रैक्टिस में कुछ बदलाव ला के मेरे खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं शायद पे पर ट्रांजेक्शन नहीं मगर पे पर कस्टमर स्ट्रेटेजी पे आ सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, वेबसाइट बनवाई, सॉफ्टवेयर में पैसे खर्च किए, बट ये बोल्ड डिसीजन लेना ज़रूरी था तो ही कुछ हो सकता था। शायद तब क्लाइंट हमको एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से आगे देखे, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह। तो दोस्तों चेंज तो हमारे लिए बहुत बेटर साबित हुआ। ऑल इन ऑल शायद मैं पहले 2 लोगों के साथ काम करता था, आज मेरी टीम में 20 जन है, शायद 20 से 25 एसोसिएट्स भी हैं, और मैं भी एक IFA से ही आज एक वेल्थ मैनेजर बना हूं। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर, एज मोस्ट इन्वेस्टर्स विल एग्री विद दिस, दैट देयर वाज एन इमीडिएट नीजर्क इंडस्ट्री रिएक्शन, एंड दैट इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन वाज फॉर द एडवाइजर्स। सो सम ऑफ माय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, सो टू से, जस्ट स्टॉप्ड कॉलिंग, एंड फॉर्चूनेटली वन ऑफ द एडवाइजर्स दैट आई हैड, दे मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक मी मोर अवेयर दैट देयर एडवाइस had a value which I always realized, but I was earlier paying through by the front-ended load that was there. I'm always happy to pay. I don't think there's anything like a free lunch in life. So I'm happy to be paying a fee as long as I see the value. समय के साथ बदलना हिम्मत वालों का काम होता है। कठिनाइयों से लड़ने का साहस करने वालों को, इम्तिहान के वक्त हौसला रखने वालों को किस्मत भी सलाम करती है। और IDFC म्यूचुअल फंड बड़े गर्व के साथ जुड़ा है ऐसे साहसी लोगों से जो हार को भी जीत में बदलने का जज्बा रखते हैं और जीत कर दिखाते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।